अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आई हूँ जिसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा भी देंगे। एक प्रोडक्ट लेंगे उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे, और वो प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा सस्ता है, अफोर्डेबल है, और वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देके जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा पहले, फिर सेटिस्फाई होकर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि विंटर्स चल रहा है, लेकिन आज के जो प्रोडक्ट है विंटर समर दोनों के लिए है। लेकिन जैसे विंटर्स में सबको पता है हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, डैमेज हो जाती है, समझ नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं जिनका कलर बहुत फेयर होता है लेकिन ग्लो नहीं आ रहा होता, और कुछ लोग होते हैं जिनका कलर बहुत डल होता है, वो कहते हैं ग्लो भी नहीं आ रहा, डल भी है, ऐसी क्या चीज़ हम यूज़ करें। बहुत सारे लोग लोशन यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग क्रीम्स भी डिफरेंट यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजिंग वाली, वो कहते हैं हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो मॉइस्चराइज भी करे और रंग को फेयर भी करे। तो मैं एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, एक स्किन शाइनर लेके आई हूँ। वो स्किन शाइनर जो है वो है जी सॉफ्ट टच वालों का स्किन शाइनर। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है ये लेमन इनरिच्ड है। इसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है मैं अपने वीडियो में एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करती हूँ, ताकि मैं पहले इस चीज़ को यूज़ करती हूँ खुद तकरीबन 15 से 20 दिन, फिर दूसरी स्किन टाइप पर भी टेस्ट करवाती हूँ, फिर रिव्यू देना चाहिए, क्योंकि एक ये ऑनेस्ट रिव्यू के एक्सपीरियंस रिव्यू भी हो जाता है, एक ऑनेस्ट रिव्यू भी हो जाता है, ताकि पता चल जाए किन स्किन को साइड इफेक्ट दे रहा है और किन स्किन को फ़ायदा दे रहा है। तो ये वाला मैंने पिछले साल यूज़ किया था, पिछले साल ये इतना सा पड़ा हुआ था मेरी मदर का, तब मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया था, तो ये आउटस्टैंडिंग विंटर्स में मुझे रिजल्ट देना शुरू हो गया था। मैं इसको बहुत सारे तरीकों से यूज़ करती थी, वो भी मैं बताने लगी हूँ वीडियो के बीच में। तो मैंने अब ये न्यू मंगवाया था, तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं, और आप देख सकते हैं अभी भी इसके अंदर कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है, और मैं इसको दिन में 1 से 2 बार लाजमी यूज़ करती हूँ। तो जी जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ये लेमन इनरिच्ड है, आप देख सकते हैं लेमन हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम लेमन हमारी स्किन पर सूट नहीं करता डायरेक्ट, मैं उन्हीं में से एक हूँ, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरी स्किन के ऊपर जो है ना मैं नींबू डायरेक्ट नहीं लगा सकती। मैंने जितनी भी रेमेडीज़ बताई हैं वो मैंने किसी चीज़ के अंदर डाल के बताई हैं, लाइक बेसन में या फिर हल्दी में, इस तरह मैंने बताई हैं शहद डाल के। तो इसी तरह इसके अंदर लेमन के कुछ एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं, और लेमन को जैसे आप जानते हैं बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट होता है ये हमारी स्किन पे, जैसे हम ब्लीचिंग करवाते हैं पार्लर में जाके ये ब्लीच वाला काम करता है, तो इसके अंदर इसके एक्सट्रैक्ट हैं और बहुत अच्छा सा ये प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बता दूँ इसे यूज़ कैसे कैसे करना है, आप लोगों ने किस तरह ये आप लोगों को और चीज़ों से फ़ायदा देगा। आप लोगों को पहले इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूँ ये किस तरह की फॉर्म में है, ये आप लोग बल्कि यहाँ पे रख के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है, और ये देखिए ये कुछ इस तरह सा है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, बेस्ट मॉइस्चराइज़र है आपके फेस पे, अगर आप इसको लगाते हैं दिन में भी लगा लें, लगा के ऊपर आप जो भी क्रीम लगाते हैं लाइक डेली क्रीम्स जो होती हैं, फेयर एंड लवली होता है, कोई कुछ पॉन्ड्स लगाता है, आप हल्का सा इसका 1 ड्रॉप इसका काफ़ी होता है। आप देख सकते हैं वन कितनी शाइन आ गई है, ये देखिए आप कितनी शाइन आ रही है। तो ऐसे अगर आप 1 ड्रॉप लेके अपने फेस पे लगा लेंगे और टैप टैप करके अपनी स्किन के ऊपर लगाया करें, तो ये आपकी सारा दिन फेस के ऊपर एक ग्लो रखेगा। दूसरी बात, आपका डे बाय डे आपकी कलर कम्प्लेक्शन को बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट है, जिन लोगों का रंग डल है, जिन लोगों के रंग बहुत अनइवन सा होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है आप, क्योंकि इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट है और साथ उसमें बहुत अच्छी चीज़ें और भी मिली हुई हैं, तो ये आपके कलर को बहुत इंप्रूव करेगा। वैसे तो ये मेजोरिटी स्किन पॉलिश में यूज़ होता है, लोग स्किन पॉलिश में डालते हैं, मैं वो भी बनाना सेंसिटिव स्किन वालों की स्किन पॉलिश बनाना भी बताऊंगी, लेकिन इसको अब आप लोग अपनी स्किन पे लगा सकते हैं दिन में भी और ओवरनाइट, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप इसे ओवरनाइट अपने फेस पे, हैंड पे, इवन मैं पाँव पर भी लगा लेती हूँ, लगा के फिर बेशक ऊपर जो भी आप क्रीम नाइट की लगाते हैं लगा के सो जाएं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जज्बाती नहीं होना लगाना, इसका 1 ड्रॉप ही है। और दूसरी बात, मेकअप से पहले प्राइमर हम लोग बड़े महंगे महंगे ले लेते हैं। आप यकीन करें मैंने एक पूरी फंक्शन अटेंड किया था शादी का, और मैंने उस पर ये लगा के टीवी स्टिक से मेकअप किया। आप जान सकते हैं टीवी स्टिक एक बहुत हैवी बेस होती है, मैंने वो लगा के मेकअप किया, आउटस्टैंडिंग। क्योंकि टीवी स्टिक लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर में स्किन ड्राई लगाने पड़ते हैं, प्राइमर लगाना पड़ता है, फिर वो ब्लेंड होती है। मैंने ये लगा के डायरेक्ट मेकअप टीवी स्टिक से किया, तो मेरा मेकअप इतना अच्छा हुआ, फ्लॉलेस मेकअप हुआ और स्टे भी किया। दूसरा, स्किन पे ये मतलब हम प्राइमर्स लगाते हैं तो मेकअप तो अच्छा हो जाता है, लेकिन स्किन अंदर से डैमेज हो रही होती है, तो ये स्किन को डैमेज भी नहीं कर रहा था, मेरी स्किन के जो लेयर है उस पर वर्क कर रहा था अच्छा, ऊपर से मेकअप भी स्टे रह रहा था। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आप इसे लेके स्किन पॉलिश बनाना सिखाऊंगी उसमें भी यूज़ होगा, कलर कम्प्लेक्शन के लिए भी यूज़ होगा, मॉइस्चराइजर भी यूज़ होगा, एज अ प्राइमर भी यूज़ होगा, हाथों पैरों पर भी लगा सकते हैं आप लोग। इतने फ़वाद, और प्राइस सिर्फ इसकी 200 रुपीज़ है,
सिर्फ 200 रुपये इसकी प्राइस है। तो मैं तो कहूँगी आप देख सकते हैं लिखा हुआ 200 आप लोग ले लें तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग को बहुत फ़ायदे होंगे। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बहुत ज़बरदस्त व्यू के साथ आऊँगी, रिव्यू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।